हे गाइस, कैसे आप लोग? आप सब ने अभी तक सुन लिया होगा कि ICAI केस स्टडी बेस्ड MCQs लॉन्च करने वाला है। जब से ये न्यूज आई है तब से एक सबसे बड़ी क्वेरी है, क्या ये नवंबर एग्जाम में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अब ICAI ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां से है, नवंबर में है या नवंबर एग्जाम में नहीं है। एंड कई बच्चे पैनिक कर रहे हैं, कई सारे मैसेज आए, मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई किया, ज्यादा हो गया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया एंड अपने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी डाला कि बाबू ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने पूछा, सर कैसे आप कह रहे हो? तो मैंने बोला, काम कीजिए, लेट्स यूज कॉमन सेंस, जस्ट इमेजिन दिस। 24 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आई, एग्जाम से 2 मंथ्स ऑलमोस्ट बिफोर, 70 डेज बिफोर। अब केस स्टडी की इनविटेशन भी आई है कि बाकी लोग केस स्टडी डेवलप करें एंड ICAI को दें। अब ये केस स्टडी बेस अभी डेवलप होगी, ICAI के पास जाएगी, ICAI एनालाइज करेगा, ICAI इनकॉर्पोरेट करेगा, कुछ सैंपल्स देगा, जैसा उसने जब पहली बार MCQs इंट्रोड्यूस किया था तब किया था उन्होंने। तो इन सब प्रोसेस में ना काफी समय लगेगा, तो इसलिए कॉमन सेंस ये बोलता है कि बाबू नवंबर में एग्जाम ये अप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए पैनिक मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो आपकी स्टडीज चल रही हैं उसे कंटिन्यूअसली चलाइए, पूरे दमखम से चलाइए और नवंबर में ही पास कीजिए। अगर आप CA इंटर में हो तो बाबू केस स्टडी बेस्ड MCQ हम ना फाइनल में देंगे, इस बार नहीं देंगे क्योंकि हमें एग्जाम को पास करना है, नवंबर में ही पास करना है। होता क्या है ना, इंटरनेट आने के बाद कई सारे फायदे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ही आसान है, एट द सेम टाइम एक नुकसान भी है एंड वो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। लेट्स अवॉइड दैट एंड लेट्स रिमेन फोकस्ड टू द ओनली थिंग दैट वी हैव इन हैंड, दैट इज नवंबर 2019 एग्जामिनेश्योर। ऑल द बेस्ट, श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। एंड बस ये छोटी सी न्यूज़ थी जो मुझे देनी थी। टेक केयर, बाय बाय। एंड माइंड यू, कंपनी लॉ की भी अमेंडमेंट्स बहुत ही जल्दी हैंड रिटन नोट्स के साथ कलरफुल नोट्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।